हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी बना के लाए हैं जो कि अक्सर आप खाते रहते हैं। आज मैं आपको बैंगन की जो शानदार रेसिपी है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले है, बैंगन को मैंने पहले तो पानी के अंदर साफ कर लिया है, उसके बाद मैं इस प्रकार पीस में काट लिया है और एक थाली ले ली है और थाली में ये जो टुकड़े हैं इनको रख लिया है इस प्रकार से, और उसमें पानी भर दिया मैंने ताकि ये इसमें पानी अच्छा इसमें अच्छी तरीके से बैंगन के जो पीसेज हैं इसमें जा सके। अब इसमें हम सामग्री क्या क्या यूज़ कर रहे हैं वो देखिए, उसके बाद में इसकी विधि बताई जाएगी। ये मैं मिर्च ले रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे दो टमाटर काटे हैं, तो टमाटर और मिर्च मैं यहाँ पे लिया है मैंने, और प्याज का यूज़ मैं नहीं कर रहा हूँ। आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा अगर आपके, क्योंकि आजकल तो महंगे हो गए तो उस चक्कर में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो प्याज आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे हरा प्याज हो चाहे भी गोल वाला सूखा प्याज हो, तो देख सकते हैं। अब इसमें मसाला कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो देखिए, एक चम्मच से मैंने मिर्ची पाउडर लिया है, आधे चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी कम ही यूज़ करते हैं, वैसे फ़ायदेमंद होती है हड्डियों के रोग के लिए, हल्दी काफ़ी लाभदायक होती है। आप अगर हड्डियों की कोई दिक्कत है तो ज़्यादा हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। और ये धनिया पाउडर है लगभग 2 चम्मच, और नमक लिया है मैंने स्वाद अनुसार, और 8-10 कलियां मैंने लहसुन की यहाँ पे ले ली है। अब साथियों इस मसाले को मैं पेस्ट बना लूँगा यहाँ पे, मैं ऐसे अलग अलग डालने की बजाय पेस्ट बनाता हूँ। ये देखिए सारा मसाला मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया है, और इसमें लहसुन डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। जैसे ही इसमें पानी डालेंगे पेस्ट बन जाएगा, पेस्ट का मतलब है कि जो हमारा मसाला वो जल्दी पकेगा और अच्छी तरीके से पकेगा। अब इसकी विधि है, इसको बनाते कैसे हैं सब्जी को वो देखिए। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई ले रहा हूँ और इसमें तेल डाल रहा हूँ लगभग 3 चम्मच, इसको गरम करेंगे तेल को। तो साथियों हमारा तेल गरम हो गया है, इसमें जीरा डाल देंगे और जीरे को पकने का वेट करेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि कढ़ाई है, कढ़ाई में गैस है, वो धीरे धीरे गर्म होता है, इसलिए थोड़ा सा वेट करेंगे। तो साथियों हमारा मसाला पक ये जीरा पक गया है, अभी इसमें मसाला डाल देंगे जो हमने पेस्ट बनाया था, तो सावधानी से मसाला डालना पड़ेगा। इसमें पेस्ट बनाता हूँ मसाले का, आप भी ज़रूर बनाइएगा। ये मसाला इसमें डाल दिया है, अब मसाले को बढ़िया तरीके से पका लें, क्योंकि मैंने पेस्ट बनाया था तो इसमें बढ़िया तरीके से पकता है, मसाला घुल जाता है। तो मसाले को थोड़ी देर पकाएंगे और बढ़िया तरीके से पकाएंगे, और मसाला अगर कच्चा रह जाता है तो रेसिपी खास नहीं बनती है, तो इसको पकाएंगे। हरी हरी मिर्च डाल दिया साथियों मैंने इसमें मसाले के अंदर, और अब टमाटर डाल देंगे। आप टमाटर का यूज़ बाद में भी कर सकते हो, जैसे हम बैंगन की सब्ज़ी बना रहे हैं तो पहले भी कर सकते हो, ये चॉइस आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने इसमें पहले ही डाल दिया है, और अभी इसको मिक्स कर लेंगे और इसको पका लेंगे। तो साथियों मसाला हमारा पक गया है, अब इसमें जो बैंगन है जो पीसेस काटे थे इससे भी छोटे कर सकते हो आप, लेकिन ये सही है बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मल जो बैंगन की सब्ज़ी बनाते हैं उसमें इतने ही पीस रखते हैं। अब इसमें सारे बैंगन हैं वो डाल देंगे एक एक करके, और रेसिपी जो भी आपको चाहिए, मैं हर प्रकार की रेसिपी बनाता हूँ। रेगुलर रेसिपी के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको घर बैठे हर प्रकार की रेसिपी का लुत्फ़ उठा सको, होटल जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। और जो आपको चीज़ चाहिए जो भी रेसिपी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि हम प्रयास करेंगे अगले वीडियो में वही रेसिपी आपको बताएं। अब इसको पका लेंगे साथियों, और इसमें पानी भी डालेंगे। पानी कितना डालना है वो डिपेंड आप पे करता है कि कैसी आप रेसिपी चाहते हो, पतली करी वाली भी या फिर मोटी करी वाली। इसमें पानी डाल दिया साथियों मैंने, जैसा कि आपको बताया था, आप अपनी इच्छा से इसमें जितना करी चाहते हो उतना पानी डाल सकते हो। अब इसको लगभग 15 मिनट तक पकाएंगे, 15 मिनट में हमारी जो बैंगन की सब्जी है वो तैयार होने वाली है। इसके अलावा इसमें हरा धनिया और जो सब्जी मसाला है वो इसमें डाल सकते हो, डिपेंड आप पे करता है। फिर जैसा मैं बताता हूँ छाछ भी डाल सकते हो, छाछ या दही से भी रेसिपी स्वादिष्ट बनती है। तो 15 मिनट तक वेट करेंगे इसका, इसके बाद में रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी। तो साथियों हमारी रेसिपी बिल्कुल बनकर तैयार है, और हमने इसको अब नीचे उतार लिया है, अब ये खाने लायक हो गई है। इसमें मैंने पानी है वो कम ही यूज़ किया था, देख सकते हैं आप, देखिए अभी एकदम थोड़ी सूखी टाइप की रेसिपी तैयार हो गई है, और बिल्कुल गर्मा गर्म है, इसको खाने में स्वाद आ जाएगा। इसमें आप ऊपर से हरा धनिया या फिर मसाला यूज कर सकते हैं जो सब्जी मसाला होगा। तो वीडियो कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट बताइएगा।
कल फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।